मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के अंतर्गत 7 दिनों तक चले बूथ स्तर के कार्यक्रम का समापन हुआ। साप्ताहिक पखवाड़े के दौरान भाजपा ने घर घर जाकर बताई मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां। नागदा में बीजेपी द्वारा केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा द्वारा साप्ताहिक पखवाड़ा चलाया गया। यह पखवाड़ा लगातार 7 दिनों तक चला। समापन के अवसर पर भाजपा नागदा मंडल अध्यक्ष सी एम अतुल के नेतृत्व में चंबल तट स्थित मुक्तेश्वर मंदिर पर एक कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस साप्ताहिक कार्यक्रम के दौरान भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता ने आम जनता के घर घर जाकर जनता को मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां बताई और सरकार की उपलब्धियों के पत्रक बांटे। मंगलवार को हुए सम्मेलन में अरुणाचल प्रदेश से आई अल्पकालीन विस्तारक बिंदी जिनी व देवी बड़क का साल उड़ाकर व श्रीफल भेंट कर विदाई समारोह भी किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, लाल सिंह रणावत, प्रदेश नेता डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, जिला महामंत्री धर्मेंद्र जायसवाल, जिला उपाध्यक्ष बबीता रघुवंशी, नागदा मंडल के प्रभारी राजपाल सिसोदिया, मंडल अध्यक्ष सी एम अतुल, अरुणाचल प्रदेश से आई बिंदी जिन देवी बड़क ने मौजूद कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस अवसर पर सुभाष शर्मा, राम सिंह शेखावत, महेंद्र उचेनिया, यशपाल सिंह कुशवाहा, साहिल शर्मा, रुपे ठाकुर आदि मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन मंडल महामंत्री ओपी गहलोत ने किया और आभार साहिल शर्मा ने माना। इस बैठक के दौरान बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लेकिन इस बार आप लोग जितना काम कर रहे हैं उससे डबल काम करना है आप लोगों को, तो जितना आप लोग काम करोगे अपने लिए फायदा है और आप सभी कार्यकर्ता को देख ही रहेंगे। अपने एमएलए रहना और दूसरा कांग्रेस एमएलए रहने में कितना प्रॉब्लम होता है ना, तो अपना एमएलए बनाना है इस बार आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम करना है। और मैं कुछ अपनी अरुणाचल के बारे में भी बताती हूँ। हमारा अरुणाचल बहुत खूबसूरत जगह है, वहाँ पे खूब बड़ी बड़ी पहाड़े भी हैं, झरने भी हैं, नदी भी है। हमारे यहाँ की नदियाँ तो गहरी तो बहुत होते हैं लेकिन अंदर पूरा दिखता है, मतलब क्लीन, एकदम क्लीन रहता है। और बर्फीला इलाका भी है हमारे यहाँ। अरुणाचल प्रदेश में क्या है ये आपको बताने आए थे और मध्य प्रदेश में कितना अच्छा काम हुआ है उस काम को सीखने भी आए थे। और कहीं किसी बूथ पर यदि कहीं कोई काम अपूर्ण भी है तो आपकी प्रेरणा और आपके सहयोग और आपकी उपस्थिति से वो काम पूरा भी हो जाए, उसके पीछे ये भी हेतु था। और आपका ये व्यवहार, आपका ये नागदा नगर का संगठन का काम अरुणाचल प्रदेश तक एक संदेश के रूप में जाने वाला, एक संदेश हमने भी सुना था कल अरुणाचल क्या था। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा। खबर भारतवर्ष के लिए नागदा उज्जैन से संजय शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।